हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ उरूज फातिमा आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के चैप्टर थ्री के पार्ट थ्री से जिसमें हम मेनली तीन डिजीजेस डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहला आता है एंजाइना पेक्टोरिस जिसको हम कहते हैं चेस्ट पेन और दूसरा जिसमें हम पढ़ेंगे वो है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन विच इज द डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू और तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियस क्लेरोसिस विच इज द्लैक बिल्डअप इन द दर्टरीज और द हार्डनिंग ऑफ आर्ट्रीज तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है इट इज अ टर्म फॉर चेस्ट पेन और ये कब अराइज होता है जब ब्लड फ्लो जो होता है हार्ट मसल्स की तरफ वो जब रिड्यूस हो जाता है तो पेन अकर होता है हार्ट मसल्स में जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं तो और ये क्या होता है ये एक सिम्टम होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है जिसमें जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे हार्ट की तरफ जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो नैरो डाउन हो जाती हैं तो उस केस में क्या होता है कि चेस्ट पेन अगर होता है इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं जो होता है सच एज एक्सरसाइज तो उस टाइम पे ये, आ, पेन अकर होता है और जनरली क्या होता है कि जब बॉडी एट रेस्ट आती है तो ये पेन जो होता है वो रिलीव हो जाता है तो आ, जो एंजाइना फैक्टोरिय होता है जनरली क्या होता है ये इंडिकेशन होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का यानी कि ये एक इंडिकेशन होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज है वो नैरो डाउन हो रही है, जिसकी वजह से ये पेन होता है सो इट इज इज अ वेरी साइन दैट एट हाई रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक एंड सडन कार्डियक डेथ तो ये जो एंजाइना होता है ये मेनली थ्री टाइप्स का होता है विच इज स्टेबल और क्रोनिक एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना एंड वेरियंट ऑफ प्रिंसमेटल्स एंजाइना तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की ये मेनली तब अकर होता है जब हार्ट पे कोई ना कोई लोड पड़ता है जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे और ये कभी भी अकर हो सकता है लेकिन मतलब इसका एक रेगुलर पैटर्न है जिसपे ये अकर होता है यानी कि कभी भी किसी मंथ में हो सकता है या कुछ इयर्स कुछ सालों के बाद हो सकता है और इसके जो सिम्टम्स है वो जनरली रेस्ट करने से या फिर मेडिकेशन लेने से वो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अनस्टेबल एंजाइना ये जो होता है ये कोई भी regular pattern follow नहीं करता। ये रेगुलरली हो होता है ये Stable के कंपैरिजन में ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये कभी भी आकर हो, हो सकता है इवन रेस्टिंग कंडीशन में भी आकर हो सकता है सो अस पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ओके सो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप बिकम्स मोर प्रोन टू फ्यूचर हार्ट अटैक विद इन शॉर्ट टाइम और ये आवर्स में भी हो सकता है और वीक्स में भी हो सकता है उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएंट और प्रिंस मेटल्स एंजाइना की ये बहुत ही रेयरली आकर होता है लेकिन ये मेडिकेशन से या फिर रेस्ट करने से इजीली ट्रीट किया जा सकता है और इसमें क्या होता है कि कोई भी अंडरलाइन कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता मतलब प्रिंस मेटल्स एंजाइना अगर अकर हो रहा है तो इट मे नॉट बी एन इंडिकेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसका मेन जो कॉज होता है इज द अबनॉर्मल नैरोइंग और रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स जो कि क्या करते हैं ब्लड फ्लो टू द हार्ट को वो रिड्यूस कर देते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस एटियोलॉजी एंड इसकी पैक्टोरिसक्टर से तो एंजाइना पेक्टोरिस का मेन जो कॉज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो नैरो डाउन हो जाती है इसके अलावा इसमें कोरोनरी आर्टरी आर्ट्रीज यानी कि एक पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं हार्ट मसल्स में उसकी वजह से भी अनजाना कॉज हो सकता है उसके अलावा जो अदर रीजनस है जो कि ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से पेन कॉज होता है वो है एक्सरसाइज स्ट्रेस एंड थेरोक्सिकोसिस जिसमें इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की जरूरत होती है उसके अलावा इसमें आता है एयोटिक स्टेनोसिस यानी कि जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं जिसमें भी अगेन कार्डियक आउटपुट की इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की नीड होती है नेक्स्ट इसमें आता है हाइपरटेंशन जिसमें क्या होता है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है जो कि हार्ट पे जो लोड है उसको इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से पेक्टोरिस कॉज होता है अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की कि कौन कौन सा सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो कि एंजाइना पेक्टोरिस कॉज करते हैं सबसे पहले क्या होता है कि जब ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है जो कि किसी भी वजह से हो सकती है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज में उसकी वजह से हो सकती है तो इसके मेन जो चार फैक्टर्स हैं वो है एपिकार्डियल stenosis, जिसके भी हमने बात की थी उसके अलावा इसमें आता है, यानि कि जो होती है उसमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं नेक्स्ट इसमें आता है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस यानी कि जो आर्टरीज है उसमें एक थ्रोम्बाई यानी कि क्लॉट फॉर्म हो जाता है और लास्ट इसका जो फैक्टर है वो है इन्फ्लेमेशन और जिसका एक एग्जाम्पल है आर्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज़ तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे हार्ट को जिसके बाद क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन अगर हो रहा है आर्टरी वॉल में तो ये एक प्लैक की तरह फॉर्म होता है कि जैसे कि ये तो ये प्लैक की तरह फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली हो पाता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है ये आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये नैरो डाउन हो जाती है और इस प्रोसेस को हम आर्टीरियक्रोसिस या फिर एथोरस क्लोरोसिस कहते हैं तो कोरोनरी आर्टरी पास के केस में क्या होता है जो मसल फाइबर्स है वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से उनके अराउंड जो वॉल वॉल्स हैं यानी कि जो आर्टरीज हैं वो सडनली नैरो डाउन होने होने लगती हैं उसमें लगता है इज द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनिंग ऑफ द आर्टरीज जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की तरफ वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है और इस कंडीशन को हम मेनली क्या बोलते हैं वेरियंट ऑफ प्रिंसमिटल्स एंजाइना और जो स्पाज्म है वो किसी भी आर्टरी में आकर हो सकता है जिसका कॉज आर्टीरियस क्लोरोसिस भी हो सकता है या फिर वो नॉर्मल आर्टरीज में भी आकर हो सकता है तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तो एंजाइना पेक्टोरिस में मेनली जो इसका सिम्टम है चेस्ट पेन अकर होता है कि जो कि जनरली लेफ्ट आर्म या लेफ्ट नेक तक भी पहुंच सकता है जो पेन है बैक नेक जो या फिर टीथ में भी आकर हो सकता है उसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स इसमें आते हैं वो है वीकनेस हार्ट बने burn, एक बर्निंग बर्निंग सेंसेशन फील होता है हार्ट पे उसके अलावा जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें क्रैम्प होने लगते हैं उसके अलावा इसमें आता है इनडाइजेशन स्वेटिंग नोजिया एंड शॉर्टनेस ऑफ तो अब हम देखते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं मेनली इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है किसी भी फिजिकल स्ट्रेस या फिर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से तो वो वापस एंजाइना कॉज कर सकता है पेशेंट को डिफिकल्टी होती है कोई भी एक्टिविटी करने में जैसे कि क्लाइंबिंग स्टे उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है एंजाइना पेक्टोरिस का वो यह है कि इन फ्यूचर कभी भी ही हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आकर हो सकता है तो हम देखते हैं कि एंजाइना को कैसे डायग्नोज करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट आते हैं जैसे कि ईसीजी स्ट्रेस टेस्ट चेस्ट एक्सरे कोरोनरी एंजियोग्राफी एंजोग्राफियन ब्लड टेस्ट सबसे पहले हम देखते हैं ईसीजी में क्या होता है तो ईसीजी जो होता है बेसिकली ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है जिसकी वजह से हमें ये पता लग पाता है कि कहाँ कहाँ पर हार्ट के किस एरिया में ऑक्सीजन लैक कर रहा है तो ये हमें ईसीजी के थ्रू पता लगता है नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रेस टेस्ट इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसके बाद इसमें आता है चेस्ट एक्सरे जो कि हार्ट की इमेजेस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हम कहाँ पे ऑक्लूजन अकर हो रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी आर्ट्री ब्लॉक हो रही है ये हम डिटरमाइन करते हैं नेक्स्ट इसमें आता है कोरोनरी एंजियोग्राफी जो किसी स्पेशल डाई या स्पेशल एक्सरे की हेल्प से परफॉर्म करते हैं लास्ट इसमें आता है ब्लड टेस्ट जिसमें हम बॉडी पे जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी में फैट्स कोलेस्ट्रॉल शुगर या फिर प्रोटीन के लेवल्स को डिटरमाइन करते हैं क्योंकि जनरली क्या होता है एंजाइना के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है आर्टरी की आर्ट्रीज में जिसकी वजह से चेस्ट पेन कॉज होता है इसमें अब हम देखते हैं कि प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कैसे इस डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं तो बेसिकली दो अप्रोचेस हैं जिससे जैसे ट्रीट करते हैं पहला इसमें आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं जैसे कि स्मोकिंग कंट्रोलिंग वेट, भी पेशेंट है उसको वेट बैलेंस करके रखना होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि रेगुलर चेकअप कराते हैं कोलेस्ट्रॉल इसमें आता है अवॉइडिंग मील्स अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड एडिंग हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर डाइट उसके अलावा हम देखते हैं इसकी फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्या है जिसमें हम जनरली ड्रग्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या ड्रग्स के हेल्प से हम आ, उस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है नाइट्रेट जिसमें मेनली नाइट्रोग्लिसरीन आता है जो कि चेस्ट पेन को रिलीव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये किसी भी सबलिंग स्प्रे या फिर टैबलेट फॉर्म में आता है नेक्स्ट इसमें आते हैं बीटा ब्लॉकर्स जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोप्रानोलॉल एसीब्यूटोलॉल एटीनोलॉल एंड बीसप्रोलॉल नेक्स्ट इसमें आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि और कैल्शियम एंटागोनिस्ट ये भी सेम एज बीटा की तरह काम करते हैं और ये उस कंडीशन में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं जब पेशेंट बीटा ब्लॉक टॉलरेट नहीं कर पाता और इसका एग्जाम्पल है डिल्टिया बरापर नेक्स्ट फिर इसमें आती है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है बेसिकली क्या करती हैं क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देती हैं ये ब्लड थिनिंग एजेंट्स के तरीके से यूज करते हैं

एक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू तो एक स्मॉल कैथेटर जो होता है जो कि के तरीके से होता है वो जो नैरो डाउन प्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉक नहीं हो पाती है उसके अलावा इसमें आता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इस केस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के किसी और पार्ट से कोई भी आर्टरी लेके नेक्स्ट इसमें आता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इस केस में क्या होता है एक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जो कोई भी बॉडी के किसी और पार्ट की हेल्दी आर्टरी या फिर वेन को लेकर उस ब्लॉक आर्टरी से रिप्लेस कर दिया जाता है जिसकी वजह से जो वो आर्टरी है स्पेसिफिक वो फर्दर ब्लॉक नहीं होती है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज बेसिकली डेथ ऑफ द कार्डियक टिश्यू ये मेनली किस वजह से होता है रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई की वजह से और जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं एंड इट कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब्ड एज इ रिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट से ड्यू टू दीमिया और रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द माओकार्डियल इन्फेक्शन बेसिकली टू टाइप का होता है पहला ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड दूसरे इसमें आता है नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो भी अफेक्टेड मसल है उसमें कॉज हो जाती है यानी कि उस नेक्रोसिस का मतलब यह है कि इस टिश्यू की डेथ हो जाती है किस वजह से क्योंकि वहां पे सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं होता है या फिर सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है जो कि एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम तक पहुंचता है वाया मायोकार्डियम नेक्सिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी इशेमिक नेक्रोसिस है वो सिर्फ मायोकार्डियम तक ही रहती है यानी कि जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है जो कि एपिकार्डियम है वहां तक वो अफेक्ट नहीं हो पाता है ये कहाँ तक सिर्फ लिमिटेड रहता है एंडोकार्डियल और सब एंडोकार्डियल तक और ये जो कंडीशन है मेनली एंडोकार्डियल और सब एंडोकार्डियल रीजन को सबसे करती हूँ होते हैं कि ब्लड सप्लाई यहाँ पे सबसे लास्ट में आती है जिसकी वजह से को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है नेक्स्ट हम देखते हैं एटियोलॉजी यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के तो सबसे कॉमन कॉज जो इसका है इट इज द रप्चुरटिक यानी कि कोई भी एथ्रोमा या प्लै फॉर्मेशन जो हो जाता है वो तो जब यानी कि हो जाता है तो ये मेनली क्या कॉज करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसके अलावा जो इसके अदर कॉजेज है वो उसमें सबसे पहला आता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी कि वेंट्रिकल्स का जो साइज है वो अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट इसमें आता है कोरोनरी आर्टरी बेस पास यानी कि जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं और उनके जो मसल्स है वो टाइटन होने लगते हैं उसके अलावा इसमें आता है हाइपोक्सिया इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज कि हो जाता है ऑक्सीजन लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं जो कि किस वजह से हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से और एक्यूट पल्मोनरी डिसऑर्डर्स की वजह से नेक्स्ट इसमें आता है आर्थराइटिस विच इज द इन्फ्लॉर्मेशन ऑफ आर्टरीज फिर इसमें आता है कोरोनरी आर्टरी एम्बुल यानी कि एम्बुलेंस फॉर्म हो जाता है यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक होने लगती है उसकी वजह से उसके अलावा पॉइजनिंग ऑफ कोकेन एम्फेटामिन एंड एफेड्रीन नेक्स्ट इसमें आता है कोरोनरी अनोमलीज एंड इंक्रीज आफ्टरलोड और आइनोट्रोपिक इफेक्ट व्हिच इंक्रीज द डिमांड ऑन द ब्लड तो हम देखते हैं है, uh, है, है, तो है, आपको बताया कि एथोरसक्लोरोटिक प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है आर्ट्रीज में जिसकी वजह से मायोकार्डियन फैक्शन अगर होता है तो इस केस में क्या होता है की जो एथोरसक्लोरोटिक प्लैक है इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है यानी कि बर्स्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्या करता है ये थ्रोम्बस फॉर्म कर देता है आर्टरीज में यानी कि क्लॉट फॉर्म कर देता है जिसके टू मिनट्स के अंदर ही क्या होता है कि मायोकार्डियल नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है इज द डेथ ऑफ द माओकार्डियल नॉर्मली क्या होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सब एंडोकार्डियल या फिर जो एंडोकार्डियल रीजन होते हैं वो लीस्ट परफ्यूज रीजन होते हैं यानी कि ये वो रीजन होते हैं जहाँ पे सबसे लास्ट में ब्लड फ्लो पहुंचता है कहाँ से एपिकार्डियल कोरोनरी आर्ट्रीज से जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्राम्यूर प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है जो कि फर्दर क्या करता है ब्लड इनफ्लो जो होता है उसको कॉम्प्रोमाइज यानी कि वो डिक्रीज कर देता है जैसा कि आप इस फिगर uh, में देख सकते हैं कि जब ऑक्लूजन स्टार्ट होता है सबसे पहले ये आपका जोन ऑफ परफ्यूजन है यानी कि अफेक्टेड एरिया है जो कि रिस्क पे होता है तो ये ऑब्सट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी है तो टू आवर्स के बाद क्या होता है कि जोन ऑफ नेक्रोसिस जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो इंक्रीज हो जाता है उसके बाद अगर 24 फोर आवर्स के बाद देखें तो वो जो पूरा जो एरिया है वो नेक्रोस टिश्यू की वहां पे डेथ हो जाती है तो मायोकार्डियल इन्फाक जो है सब एंडोकार्डियल रीजन में स्टार्ट होता है क्योंकि वो लीज परफ्यूज रीजन होता है और यहाँ पे स्मिक इंजरी हो जाती है यानी कि ब्लड फ्लो ना पहुंचने की वजह से शमिक इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से जो सेल नेक्रोसिस है वो सबसे पहले मिड एपिकार्डियल और सब एपिकार्डियल एरियाज की तरफ बढ़ता है जो कि मायोकार्डियम के पास प्रेजेंट होता है उसके बाद कुछ थ्री टू सिक्स आवर्स के बाद क्या होता है जो इनफेक्ट अपने मैक्सिमम एक्सटेंड तक पहुंच जाता है उसके बाद उस आ, ये जब एक्सटेंड हो रहा होता है जब इनफेक्ट जो अपने रीजन अब एक्सटेंड कर रहा होता है उसके बाद क्या होता है कि जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है नहीं कि जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ होता है वो रपच्चर हो जाता है बर्स्ट हो जाता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट मसल्स का जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल किया जा सकता है और लास्ट में क्या होता है शेमिया या फिर डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यूज अकर होता है जिसकी वजह से कोरोनरी कोरि का टोटल ऑक्लूजन यानी कि टोटल ब्लॉकेज हो जाती है अब देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जिसमें सबसे पहला है सडन चेस्ट पेन इज़ जिसको हम एंजाइना भी कहते हैं उसके अलावा इसमें आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंगजाइटी स्वेटिंग पैल्पिटेशन और ट्रेमर एंड नौजन वॉमिटिंग फीमेल्स में कुछ एडिशनल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि वीकनेस फिटिंग एंड फीलिंग ऑफ

ये कॉज करते हैं नेक्स्ट इसमें आता है हार्ट फेलियर जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ट टिश्यू जो होता है वो डैमेज हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिमेनिंग हार्ट मसल्स हैं उतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है उसको पंप नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं नेक्स्ट इसमें आता है हार्ट एक्चर तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये किस वजह से होता है कि जब हार्ट टिश्यू जो होता है उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो बहुत ही ज्यादा वीकेंड हो जाता है तो ये क्या करने लगता है कि और जो आ, हार्ट टिश्यूज हैं उनको रेप्चर करने लगता है उनको बर्स करने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उस जो पार्ट है टिश्यू का वहां पे होल्स फॉर्म हो जाते हैं नेक्स्ट इसमें आता है वॉल प्रॉब्लम्स तो हार्ट अटैक की वजह से जब भी हार्ट वॉल्स डैमेज होती हैं उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर हो सकती है यानी कि वॉल्स जो है हार्ट की उससे लीकेज प्रॉब्लम्स होने लगती हैं तो आ, दो तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायग्नोज कर सकते हैं इसमें सबसे पहला आता है क्लिनिकल डायग्नोसिस जो कि जो पेशेंट है सबसे पहला आता है इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस जो कि फिजिशियन जो ऑब्जर्वेबल जो भी सिम्टम्स होते हैं उनसे डिटरमाइन करता है उसके अलावा इसमें कुछ आते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट जो कि लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है जो फिजिशियन है वो रिस्क फैक्टर्स डायग्नोज करता है पेशेंट की उसके लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में पूछता है और उसके अलावा जो कुछ सर्टेन मेडिकेशन है जिसकी वजह से क्या कर सकता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं नेक्स्ट इसमें आते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट इसमें सबसे पहला आता है चेस्ट एक्सरे तो चेस्ट एक्सरे की हेल्प से क्या आ, होता है कि हार्ट की इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर क्या चेक कर सकता है हार्ट साइज चेक कर सकता है ब्लड का साइज चेक कर सकता है उसके अलावा वो ये चेक कर सकता है कि जो पेशेंट के लंग्स है कोई फ्लूड का फिल फिलअप तो नहीं हो रहा है नेक्स्ट इसमें आता है ई इस टेस्ट से क्या होता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटरमाइन की जाती है क्योंकि जब भी हार्ट मसल uh, या फिर हार्ट टिश्यू जो है वो अफेक्ट होगा तो ये हमेशा अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट इसमें आता है कोरोनरी तो इस टेस्ट से जनरली हम क्या क्या कर सकते हैं नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्ट्रीज तो इसमें क्या करते हैं जो एक लिक्विड डाई होता है कैथेटर में फिल करके आर्ट्रीज के थ्रू हमारी बॉडी में थ्रू लेग्स और ग्रोइन एरिया वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद जब ये लिक्विड डाय रिलीज होता है तो ये जो आ, स्क्रीन है उस पर यह शो करता है कि कहाँ कहाँ पे जो आर्टरी है वो ब्लॉक्ड है कहाँ कहाँ पे ऑक्लूडेड और इस टेस्ट के साथ ही साथ डॉक्टर समटाइम्स क्या कर सकते हैं कि आ, उस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर विच इज एनजियो जिसको कोरोनरी आर्टरी बलून डायलेशन बलून एनजियोप्लास्टियन पर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन भी नेक्स्ट इसमें आता है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट तो जब भी हार्ट अटैक की कंडीशन अगर हो चुकी होती है उसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स एक एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें पेशेंट uh, को अलाउ किया जाता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जैसे कि वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल और पेडलिंग ऑन द स्टेशनरी बाइक तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की जो नॉर्मल uh, एक्टिविटीज है एक्टिविटीज है 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 उसको डिटरमाइन करते हैं नेक्स्ट इसमें आता सीटी सीटी स्कैन स्कैन ये ये जो होता अगेन हार्ट के सर्टेन इमेजेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम uh, जो हार्ट की एक्टिविटी है जो भी ऑक्लूडेड ब्लड वेसल्स है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें आता है एम सो सेम है सिटी स्कैन ये भी हार्ट की कुछ इमेजेस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से कोई भी ऑक्लूडेड आर्टरी या फिर और कोई भी अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है हार्ट की उसको डिटरमाइन किया जा सकता है नेक्स्ट इसमें आता है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट तो कैसे ट्रीट कर सकते हैं तो सबसे मेन प्लान ऑफ ट्रीटमेंट जो इसका है वो है एंजियोप्लास्टी जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि इसमें क्या करता है जो uh, एक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू कैथेटर को इंसर्ट कर दिया जाता है ब्लॉक आर्टरी में जिसमें एक स्मॉल बलून फिटेड होता है जो कि जब इन्फ्लेट होता है तो उस आर्टरी को एक्सपैंड कर देता है और फर्दर ब्लॉक नहीं होने देता है और ये इससे फर्दर क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है हार्ट की तरफ वो क्या होता है वो रिस्टोर हो जाता है जो दूसरा मेथड है जो, और जो, जो, जो दूसरा मेथड है जिससे एंजियोप्लास्टी परफॉर्म कर सकते हैं वो है एक स्टेंट के थ्रू एक स्टेंट जो होता है वो ब्लॉक आर्टरी में प्लेस कर देते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जिसकी वजह से जो ब्लॉक आर्टरी है वो ओपन ही रहती है और फर्दर उसमें ब्लड फ्लो कंटिन्यू होता रहता है वो ब्लॉक नहीं हो पाती है तो इस सर्जिकल प्रोसीजर के अलावा कुछ ड्रग्स uh, हैं जो हम इसमें देते हैं इसमें सबसे सब पहला आता है ब्लड थिनर्स यानी कि एंटी प्लेटलेट एजेंट्स जिसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन तो ये क्या करते हैं ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक कर देते हैं ताकि नॉर्मल ब्लड फ्लो जो है वो रिज्यूम हो जाए नेक्स्ट इसमें आता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो कि क्या करते हैं ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देते हैं जिसका एक एग्जांपल है एल्टीप्लेस उसके अलावा इसमें आती है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ये क्या करते हैं ये नए क्लॉट्स फॉर्म नहीं होने देते हैं प्लस जो एग्जिस्टिंग क्लॉट्स फॉर्म हो चुके हैं उसकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं इसका एग्जांपल है कुछ जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या करते हैं ब्लड वेसल्स को वाइडन कर देते हैं जिसकी वजह से वो फर्दर ब्लॉक नहीं हो पाती है नेक्स्ट इसमें आता है बीटा ब्लॉकर्स ये मैंने अभी आपको बताया था एंजाइना पेक्टोरिस में भी ये क्या हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं इसका एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलॉल नेक्स्ट इसमें आता है एस इनबिटर्स ये भी सीम बीटा ब्लॉकर्स की तरह वर्क करते हैं और क्या करते हैं ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं इसका एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल उसके अलावा जो पेन अगर होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम उसके लिए कुछ पेन रिलीवर्स जैसे कि मोर्फिन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं तो ये था प्लान ऑफ ट्रीटमेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है क्या उसकी पैथोजेनेसिस है और कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली डिजीज की तरफ विच इज एथरस एंड आर्टीरियस क्लोरोसिस तो ये वो कंडीशन है जिसमें जो हमारी बॉडी में जो आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो थिकन हो जाती हैं और हार्डन हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है जो ल्यूमेन होता है आर्टरीज का वो नैरो डाउन हो जाता है तो उनसे क्या होता है कि ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता और ये कंडीशन फाइनली अकर हो जाती है ये फॉर एग्जाम्पल हमारी आर्टरीज है जब ये थिकन होने लग जाएगी तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो ल्यूमेन है वो बहुत नैरो हो जाएगा तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से या तो ये आर्टरी पार्शली ब्लॉक्ड होती है या फिर कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाती है जो कि फाइनली फाइनलराइज करती है द कंडीशन ऑफ आर्टीरियस क्लेरोसिस और जो एथेरोस क्लेरोसिस इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्टेर क्लेरोसिस इसीलिए दोनों टर्म्स हम कन्वर्सली भी यूज करते हैं तो एथरोस्क्लेरोसिस uh, वो कंडीशन है जिसके अंदर प्लाक बिल्डअप हो जाता है फैट बिल्डअप हो जाता है आर्टरीज में जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है उसमें प्रॉपरली नहीं हो पाता है जो कि फर्दर हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये भी कॉज कर सकता है सो द टर्म एथरोस्क्लेरोसिस हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथरोस विच मीन्स पेस्ट एंड स्क्लेरोसिस विच मीन्स हार्डनेस उसके बाद जैसे कि मैंने भी आपको बताया में क्या होता है फाइब्रो फैटी फाइब्रोफैटी होते हैं यानी कि जो फैट डिपोजिशन हो जाता है इंटरनल लाइनिंग में आर्टरीज की जिसकी वजह से ये कंडीशन अकर होती है और एथोरोसलोरोसिस जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का भी कॉज हो सकता है नेक्स्ट हम इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो ये कंडीशन कॉज करते हैं तो इसमें बेसिकली दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पहला इसमें आता है नॉन कंट्रोलेबल एंड दूसरा इसमें आता है कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल एज द नेम कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हेरिडिटी तो सबसे पहला इसमें आता है हेरिडिटी तो so, ये एक डिसऑर्डर भी हो सकता है जो कि मेनली हाइपर कोलेस्ट्रोलिया विच इज द इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द ब्लड उसकी वजह से हो सकता है सेकेंड इसमें आता है एज तो so, ये जो डिजीज है मोस्टली ओल्डर एज ग्रुप के जो लोग हैं विच आर मोर देन थर्टी ईयर्स ऑफ एज उनको अफेक्ट करता है थर्ड इसमें आता है सेक्स। इट मोर कॉमन इन मेन एज कम्पेयर टू वेमेन फिर उसके बाद डायबिटीज जो क्रोनिक डिजीजेज हैं वो भी इनका एक अंडरलाइन कॉज हो सकते हैं नेक्स्ट इसमें आता है कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि डाइट हो गया लाइफस्टाइल तो इसमें सबसे पहले आता है डाइट तो स्लाइट चेंजेस अगर अपनी डाइट में करें अगर हम हेल्दी फूड्स इंक्लूड करते हैं डाइट में तो ये कंडीशन अगर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं नेक्स्ट इसमें आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्टाइल सेडेंट्री लाइफ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है बिकॉज बिकॉज uh, अगर हमारी लाइफ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है जिसकी वजह से क्या होता है उस फूड का फैट के फॉर्म में बिल्डअप होने लगता है हमारी बॉडी में नेक्स्ट इसमें आता है स्मोकिंग ये भी बहुत ही कॉमन कॉज है एथोरोस्लोरोसिस का नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रेस जो की डायरेक्ट कॉज तो नहीं है एथोरोस्लोरोसिस का बट ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है जो कि फर्दर रिस्क इंक्रीज करता है वो कंडीशन अगर होने का नेक्स्ट इसमें आता है हाइपर टेंशन अगेन इट इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर जो कि एक अंडरलाइन कॉज हो सकता है नेक्स्ट अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस यानी कि क्या क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो कि ये कंडीशन कॉज करते हैं तो इसका मेन जो कॉज है वो तो अननोन है लेकिन रिसर्च के थ्रू हमने ये जाना है कि ये जो कंडीशन है ये एंडोथिलियल सेल इंजरी की वजह से हो सकती है एंडोथिलियल सेल्स जो होती हैं है लेयर फॉर्म करती हैं आर्टरीज की जो इनर लाइनिंग है वो एंडोथीलियल सेल्स फॉर्म करती हैं और ये जब इंजर्ड हो जाती हैं तब ये कंडीशन कॉज होती है तो एंडोथिलियल सेल इंजरी के टाइम पे क्या होता है ये टॉक्सिक साइटोकाइंस रिलीज करती हैं विच आर द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ये क्या करते हैं दे अलाउ द द मैक्रोफेजेस टू एंटर वॉल तो जो मैक्रोफेजेस होते होते हैं ये of WBCs होते हैं ये टाइप ऑफ जो कि डेड सेल्स को क्लीन अप करते हैं हमारी बॉडी से और दूसरा ये क्या करते हैं कि जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं तो ये क्या करते हैं ये एंटर करते हैं आर्टीरियल वॉल में रोलिफ्रेट यानी कि ये मल्टीप्लाई होते हैं और ये टिश्यू मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि फर्दर क्या करता है एल डी एल और जो होते हैं, तो जब एल डी एल एंटर करता है एंडोथिलियम में ओके okay, तो जब ये एल डी एल एंटर करता है एंडोथिलियम में तो क्या होता है हमारे जो वेसल वॉल यानी कि जो आर्टीरियल वेसल वॉल है उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एल डी एल को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं और प्रमोट करते हैं एक इम्यून यानी कि क्या करते हैं धीरे धीरे करके उस वॉल को इन्फ्लेम यानी कि स्वेलअप करने लगते हैं जिसकी वजह से एथ्रोस्लोसिस कॉज होता है तो जैसे ही जो वेसल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड होती हैं तो वहां पे एक फैटी स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है फॉर एग्जाम्पल ये वेसल है जैसे ही इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा ये फैटी स्ट्रीक फॉर्मेशन होने लगता है और जैसे जैसे इस एरिया में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो डिवाइड होती हैं क्या होता है कि जब कोलेजन इसके ऊपर से मूव करता है तो फर्दर वो बिल्डअप को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है जो आर्टरी है या वो ब्लड वेसल है पार्शली या फिर कंप्लीटली ब्लॉक जाती है जिससे प्रॉपरली जो ब्लड है वो मूव नहीं कर पाता है और फर्दर उसको क्या करता है ब्लॉक कर देता है जिसको हम क्या कहते हैं प्लैक बिल्डअप भी कहते हैं और जो प्लैक फॉर्मेशन है वो जो वैसे ल्यूमेन उसको प्रोट्रूड कर देता है मतलब कुछ इस तरीके से एक फ्लैक बिल्डअप हो जाता है आर्टरी में तो ये अगर अनस्टेबल होता है तो ये रप्चर हो जाता है यानी कि बर्स्ट हो जाता है और जिसके अच्छा बर्स्ट होने के पहले ये कोई भी क्लिनिकल सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है तो लास्ट स्टेज में क्या होता है कैल्सिफिकेशन हो जाता है फाइब्रस प्लैक का यानी उसमें कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है जो कि बाद में हेमोरजिक यानी कि उसमें ब्लीडिंग होने लगती है अल्सरेटेड हो जाते हैं कि होने लगते हैं उसके अलावा है। उसके बाद सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स हैं या कुछ क्रोनिक अंडरलाइन डिजीजेस फॉर एक्साम्पल डायबिटीज जो कि की की जो कंडीशन है उसको प्रोग्रेस करते हैं कि उसको इंक्रीज कर देते हैं तो ये हो गया पैथोजेनेसिस नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि साइन एन सिम्टम्स क्या होते है, हम देखते हैं कि साइन एन सिम्टम्स क्या होते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको पैथोजेनेसिस में बताया कि जब तक जोस्टेबल

हाइपरटेंशन इज द ब्लड प्रेशर एंड नेक्स्ट इसमें आता है किडनी फेलियर तो अब ये जो कंडीशन है ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है वो देख लेते हैं सबसे पहले इसमें आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो जैसे कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को लेकर जाती है हार्ट की तरफ वो वो नैरो डाउन हो जाती जिसकी वजह से कंडीशन कॉज होती है तो एथरोस्क्लेरोसिस के केस में भी सेम क्या होता है कि आर्टरीज डाउन हो जाती है जो कि ये कंडीशन कॉज करती है नेक्स्ट इसमें आता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज तो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज की वजह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होता है कैसे इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी पेशेंट है वो हीट और कोल्ड सेंसिटिव हो जाता है यानी कि उसको जल्दी हीट या फिर कोल्ड फील नहीं होता है जिसकी वजह से उसको बर्न्स हो जाते हैं समटाइम्स इज द डैमेज कॉज टू द टिश्यू अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम नेक्स्ट इसमें आता है aneurysm. Aneurysm के केस में क्या होता है जो आर्टीरियल वॉल है उसमें एक बल्ज फॉर्म हो जाता है कुछ इस तरीके से एक बल्ज फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से जो आर्टरी है वो नैरोन हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन और थ्रॉबिंग सेंसेशन फील

कर सकता है नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन की डायग्नोसिस कैसे करते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है जो डॉक्टर होते हैं वो फिजिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को तो उसके लिए सबसे पहले वो उसका सबसे पहला इंडिकेशन ये है इस कंडीशन का कि जो नैरोड आर्टरी है वहां पे कोई भी पल्स नहीं मिलेगी अगर पल्स मिलेगी तो वो बॉडी एक वीक पल्स होगी नेक्स्ट इसमें आता है कि जो भी अफेक्टेड लिम है वहां पे डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा नेक्स्ट उसके बाद बुशिंग साउंड्स सुनने मिलेंगे जो भी जो आर्टरी जो भी नैरोड आर्टरी वहां पे बुशिंग साउंड्स सुनने मिलेंगे इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक दाए, टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसमें सबसे पहला आता है ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट से इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें आता है डॉक्टर अल्ट्रासाउंड ये एक अल्ट्रासाउंड डिवाइस है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को या फिर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में तो इससे हम बेसिकली क्या डिटरमाइन कर, तो कर सकते हैं डिग्री ऑफ ब्लॉकेज की कितने अमाउंट ऑफ ब्लॉकेजेस हैं कौन कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं तो ये सब चीजें हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें आता है एंकल ब्रैकेल इंडेक्स ये जो टेस्ट है ये डिटरमाइन करता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी हाथों में या पैरों में पे आर्टरीज अफेक्टेड तो इस टेस्ट में सबसे पहले एंकल का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं फिर उसके बाद उसको कंपेयर किया जाता है

जो नॉर्मल बॉडी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है या हार्ट रिदम है या ब्रीदिंग रेट है उसको डिटरमाइन करते हैं नेक्स्ट इसमें आता है कार्डिया कैथेटराइजेशन एंड एंजियोग्राम इसमें क्या करते हैं कि एक कैथेटर में एक लिक्विड डाई फिल कर देते हैं जिसको थ्रू uh, लेग्स या फिर ग्रोइंग एरिया इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में और जब ये जो डाई है ये आर्टरी में रिलीज होता है तो एक स्क्रीन के थ्रू हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज या फिर कितनी जो आर्टरी वो नैरो डाउन हुई है नेक्स्ट इसमें और जो अदर इमेजिंग टेस्ट आते हैं वो है अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी विच इज एम आर एज कैन बी कंडक्टेड फॉर डिटेक्टिंग हार्ड एंड नैरोड लार्ज आर्ट्रीज एंड एंड कैल्शियम डिपॉजिट इन दर्टीरियल नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका क्या प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है कैसे मैनेज कर सकते हैं तो सबसे पहला डाइटरी चेंजेस या फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस करने से बहुत इंपैक्टफुल होता है ये कंडीशन अगर होने से हमेशा प्रिवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट अगर ये कंडीशन अगर हो जाती है तो उस केस में

जो अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है तो उसकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं और जो एंटीकोगलेंट्स हैं ये क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है उसके एग्जाम्पल है एसपेरिन उसके बाद एंटीकोगलिन के जो एग्जाम्पल है वो है वॉरफेक्स इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती हैं तो बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल है एसिब्यूटोलॉल एंड एटीनोलॉलॉलॉल एंड कैल्शियम डेल ब्लॉकर का जो एग्जाम्पल है वो है डिल्टियाजम उसके अलावा डायरेटिक्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में जो कि एक रिस्क फैक्टर होता है का तो डायरेटिक्स uh, के एग्जाम्पल है फ्यूरोसेमाइड सबसे एफिशिएंट है उसके अलावा इसमें आता है एस इनहिबिटर्स और द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है अगेन ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है तो ये uh, इस कंडीशन में भी दिया जाता है इसकी एग्जाम्पल है मेनाजिपिलोपिल So, अगर ये नहीं करती है, अगर की, तो अगर इस सर्जरी तो में, तो में क्या करते हैं हमारी बॉडी के किसी और पार्ट से कोई भी हेल्दी आर्टरी या वेन को रिप्लेस कर दिया जाता है डैमेज आर्टरी से नेक्स्ट इसमें आता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इस थेरेपी में क्या करते हैं ड्रग जो होती है थ्रोबोलाइटिक ड्रग होती है उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में जिसकी जिससे कि जो भी क्लॉट फॉर्मेशन हो गया आर्टरीज में उसको डिजोल्व कर दिया जाए नेक्स्ट इसमें आता है एनजियो ये जो आ, आ, प्रोसीजर है ये परफॉर्म किया जाता है कैथेटर का यूज करके जिसके अंदर एक बलून स्मॉल बलून इनकॉपरेटेड होता है और जब इसको इंसर्ट करते हैं उस आर्ट्री में तो ये उसको वापस से नैरोडाउन नहीं होने देता उसको वापस से नैरोडाउन नहीं होने देता उसको ओपन अप रखता है उसके अलावा एक स्टेंट का भी यूज करते हैं एंजियो में जो की आर्ट्री को वापस से नैरोडाउन नहीं होने देता है नेक्स्ट इसमें आता है एंड आर्ट्रेक्टमी इसमें फैटी डिपॉजिट्स का जो होता है वो सर्जिकल रिमूवल करते हैं आर्टरी में से और लास्ट इसमें इसमें है इसमें plaque को एलिमिनेट करते हैं आर्टरी से बाय द यूज ऑफ कैथेटर विद शार्प ब्लेड एट वन तो जब जो भी प्लैक है उसको एक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू रिमूव कर देते हैं क्योंकि क्या करता है इन फ्यूचर वो वापस से उस प्लैक फॉर्मेशन नहीं होने देता या तो उस आर्ट्री को वापस से नैरो डाउन नहीं होने देता इसकी वजह से तो यहाँ पे हमने तीन डिजीज यहाँ पे हमने तीन डिजीजेस के बारे में देखा है विचेष